हमने सनसेट हो रहा है एकदम, और देख सकते हैं ला चुके हैं हम लोग अंदर भिकना थोड़ी के अंदर। अब पीछे का आप नज़ारे देखिए, आप देख सकते हो रोड भी काफ़ी बन गया है पिछले बार, मतलब लद्दाख भाई ट्रिप करके आ चुके हैं। थैंक यू भैया। किसी भी कंट्री में अगर सड़कें का कंडीशन सही रहे, बस के सर्विसेज ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर सही रहे, तो जाहिर सी बात है टूरिज्म अच्छे से प्रमोट। अंदर चलते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड लाइट प्रो मैक्स, तो अंदर चलते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो चुका है। परेशान है आदमी, नहीं दिखाने के लिए, नहीं तो आपको दिखा देते। पीछे हमारे मस्तान भाई बैठे हुए हैं, माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखेंगे आपको। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेपाल के अंदर, और यहाँ पे एक टूरिस्टिक प्लेस है भिकना थोड़ी, नेपाल के अंदर में आता है और बेतिया से लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है और नरकटियागंज से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और पहला ब्लॉग इस चैनल का यहीं का डाले हुए थे, तो उस यादों को हम लोग ताज़ा करते हैं और पुराने यादों को जीते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाएंगे, कुछ अलग अंदाज में, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। तो चलते हैं वहाँ पे, और आप जंगल के नज़ारे देख लो, थोड़ा सा रुके हम लोग रिफ्रेश होने के लिए, फिर अंदर चलेंगे। तो भाई चलो अंदर चलते हैं, वहाँ पर चल के आपसे बातें करते हैं। ला चुके हैं हम लोग अंदर भिकना थोड़ी के अंदर, अब पीछे का आप नज़ारे देख, और पिछले बार आया हुआ था तो आप लोग देखा होगा ये फ्लैग वगैरह नहीं लगा था, और जो ब्रिज था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो पीछे आप देख सकते हो नज़ारे, पहले हमने सोचा था कि यहाँ पे नहाएंगे और पानी ही नहीं है, पोपट हो गया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और दिखाएँगे आपको। आप देख सकते हो रोड भी काफ़ी बन गया है, पिछले बार तो रोड भी नहीं था, और ऑटो वगैरह अभी चल रहे हैं और देख भी सकते हैं। और भाई साहब पूरा मुंड में आ चुके हैं, ये क्या है आप लोग गेस कर सकते हो तो बताना ज़रूर। वो भाई हंस रहे हैं, बताइए अब हम क्या करें। भाई साहब मतलब वीडियो बनाने में भी हंस रहे हैं, और आप क्लू बताना क्या है। ये नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं और वहाँ पे चल के आपसे बात करते हैं, और ये भाई लोग तो हंस हंस के अलग ही दुनिया में रह रहा है। चलिए चलते हैं, हाँ तो चलिए नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप पे, और हमारे ड्राइवर साहब रेडी हैं ड्राइव करने के लिए। पूरा एडवेंचरर मतलब लद्दाख भाई ट्रिप करके आ चुके हैं। थैंक यू भैया। देखिए स्टेन भी नहीं मारे हैं, और लद्दाख के ड्राइवर भाई के ब्लॉग में तो हम लोग का भाई अलग सीन है। रोड तो पूरा रोड ही रोड ही चल रहा है भाई, ट्रैकिंग कब किया जाएगा। पीछे देख लीजिए, शायद लवर्स पॉइंट है, और पीछे जो मजाक किया होगा भाई कोई सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है, मतलब लवर्स पॉइंट कहा जा सकता है। एक पॉइंट पे आना अगर तीन जन हो तो सही से आना, ट्रैफिक का रूल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। भाई साहब ने रोक लिया था ट्रैफिक जो पुलिस के थे, बस यही है। चलिए अब दूसरे उस साइड चलते हैं, इधर तो पॉइंट्स हैं नहीं कवर करने के लिए, तो चलिए दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। मौसम जो है ना भाई नेक्स्ट लेवल वाला मौसम है, और थोड़ा सा धूप है इसीलिए सनग्लासेस लगाए हुए हैं, मेरा नहीं है भाई का है, इतना सनग्लासेस नहीं रखे हैं, मगर सही लग रहा है। बताइए यार कमेंट करके सही लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे दीजिएगा यार। और आप पीछे देख सकते हो नेपाल के धरती पर हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, वेल क्राउडेड नहीं है। जब वीक सीजन में आइएगा, जैसे सैटरडे संडे आइएगा, चाहे आप 1 जनवरी हो गया, चाहे स्पेशल डे पे आइएगा, तो थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिलेगा। फिर वहीं पे लवर्स पॉइंट पे आ गए, चलिए दूसरे पॉइंट पे पहुँच के बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं, और अब यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग करेंगे धीरे धीरे, अब ऊपर चलेंगे। पानी वानी का व्यवस्था कर लिए लोग, नीचे स्प्रिंग वाटर था वहीं से व्यवस्था हो गया, अब यहाँ से चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक ट्रैकिंग कर पाते हैं। पहले हम लोग नीचे की तरफ आ चुके हैं, वहाँ पे गए हुए थे, थोड़ा देर ट्रैकिंग किए, उसके बाद फ्लैट रास्ते आ गए, जैसे ऐसे नॉर्मल ज़मीन पे हम लोग हैं। तो फिर दोबारा चले हैं, और गर्मी काफ़ी है, और पीछे ही हम लोग इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर थोड़ा सा सही दिख रहा है लोकेशन, तो यही है। और पीछे भाई लोग थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, गर्मी भाई नेक्स्ट लेवल वाला गर्मी है। ये यहाँ की कुछ सड़कें हैं, सड़कें बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, पिछले बार आया था तो इसी पे डिस्कशन हो रहा था कि मतलब सड़कें हो जाएंगी तो और अच्छा होगा, और सही है एज अ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। और लगभग 80-90% टूरिस्ट इंडियन से ही आते हैं, फॉरेनर तो कोई आता नहीं है, छोटा मोटा जगह है भाई, बस हम लोग का नज़दीक है तो चिल करने आ जाते हैं,
दूर होगा तो कोई आएगा भी नहीं। ज़्यादातर लोग आपको काठमांडू पोखरा हो गया, भरतनगर साइड हो गया, यही सब जगह ज़्यादा जाते हैं। और बस भी जाती है रॉयल थोड़ी। देखिए भाई साहब हाथ दे रहे हैं और वो शायद काठमांडू जाती है बस। बसेस की सर्विसेज हैं जो 4 बसेस दिख रही हैं और चलती हैं। रोड का भी कंडीशन यहाँ पे ठीक ठाक है। किसी भी कंट्री में अगर सड़कें का कंडीशन सही रहे, बस के सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह अगर सही रहे, तो जाहिर सी बात है टूरिज़्म अच्छे से प्रमोट हो पाएगी। और जाहिर सी बात है बनवाना भी सही है एज ए टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उतना बड़ा ये नहीं हूँ, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ लोगों से। और पीछे वो पाइप वाटर, स्प्रिंग वाटर आती है तो लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब उधर चलेंगे तो आपको दिखाते हैं उधर का। यहाँ से पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गए। इंसान जहाँ जहाँ गया है पॉलीथीन लेके गया है। और ये पॉलीथीन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। और ये मतलब सबसे गलत बात है। अगर आप आ रहे हो तो एक बड़ा सा थैली ले लो, रख लो उसको और डस्टबिन में डाल सकते हो, पर नहीं। और भाई साहब अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो चलिए ट्रैकिंग भी दिखा देते हैं। तब भाई साहब तब कितना लंबा ट्रैकिंग करवाइएगा ये बताइए। अभी देखते हैं, अभी तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। गर्मी इतनी है यहाँ पे, गमछा रखना ज़रूरी हो गया है ना। सही भी है, एक साइड से बिहारी भी लग रहे हैं हम लोग, बिहारी के शान है। बउआ सिंह भी कहा जा सकता है। ये रहा सामने का हैंगिंग ब्रिज। अगर कलर भी करवा रहे हैं ना तो कलर भी बेकार हो जाएगा। गुटका पार्टी लोग का हरदम वही है। इंडियन रेलवे में आपको दिखाए थे, बाथरूम में आपको दिखाए थे, इंडियन रेलवे वाले को भी गंदा कर देते हैं और ब्रिज को तो भाई कलर ही कर देंगे। और कलर करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, गुटका पार्टी हरदम जिंदाबाद। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ये ब्रिज पे। और यार गुटका पार्टी से एक रिक्वेस्ट है यार, खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यार ऐसे मतलब कहीं पे भी थूक देना सही बात तो नहीं है ना, गलत है, बहुत गलत है। और देख सकते हैं, और पीछे का व्यूज आप देख लीजिए, तो सामने का व्यूज देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा स्विमिंग पूल बना दें। और चलिए और आप सामने देख लीजिए, बाइक भी ले जा सकते हैं मगर हम लोग उधर भी लगा लिए। अंदर चलते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड लाइट प्रो मैक्स। तो अंदर चलते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन हो चुका है फिलहाल। और भाई लोग गाइड करेंगे हमको, गिरेंगे भाई लोग तो आगे हम सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। अभी सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। भाई साहब तगड़ा सीन हो गया, पानी लेती होने में बहुत ये हो रहा है। भाई साहब एक भाई साहब वापस आ गए, मगर मज़ा आ रहा है, थ्रिल तो मज़ा आ ही रहा है। और जब तक मस्ती नहीं किए तब एडवेंचर करना बनता है, बस सांप ना आ जाए भाई। वैसे भी पानी में सांप तो काटेगा नहीं। और क्या, अरे भाई साहब ब्रिज देखिए पीछे, रुकिए आग भाई लोग लगे सीन में है। और भाई लोग के साथ देखिए ये ब्रिज है, ऊपर से लोग जा रहे हैं, हम लोग नीचे हैं। अरे देखो आप भी कहो भाई मज़ा आ गया। बस यही है कि थोड़ा सा गर्मी है मगर थोड़ा सा शाम रहा था ना, मज़ा आ जाता। तो पीछे देख सकते हैं घास पर भाई, बताइए मैन वर्सेस वाइल्ड वाला एक्सपीरियंस हो गया, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? क्या बताएं यार, जूता हाथ में लेना पड़ रहा है, हेलमेट लेके ये लेके परेशान है आदमी। मगर ये पानी वाला सीन तगड़ा हो गया। हाँ बहुत बढ़िया पानी है यहाँ, सामा आता है नहाने देवी सुबह सुबह। बस हम लोग अब चल रहे हैं, पॉइंट तो नहीं मिला जहाँ से पानी आ रहा है, पर मज़ा बहुत आया, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था। और ये वाइल्ड एक्सपीरियंस करना बनता था। और क्या, अब हम लोग वापस चल रहे हैं, अब लहरों के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं।
देख सकते हैं पानी की रफ्तारें आगे की तरफ जा रही है और यही है। तो यहाँ से अब निकलते हैं। भाई का लग रहा है गर्मी, अब चलते हैं हम नहाने डुबकियाँ मारने। गर्मी पूरा फील आ गया। गोपरो रहता ना गोपरो तब मज़ा आता, अंदर पूरा ये वाला सीन रहता। बस सपोर्ट करिए, गोपरो भी आएगा। गोपरो क्या देख रहा है भाई को, भाई साहब बोले नहीं दिखाने के लिए, नहीं तो आपको दिखा देते। यही है, अब पीछे एकदम शाम का टाइम है और ये कर रहा है। फाइनली हम लोग नहा धोवा के एकदम रेडी हो चुके हैं और दूसरे तरफ जाने के लिए ऑलमोस्ट हम लोगों ने घूम लिया। और पीछे के आप नज़ारे देख लो, नेक्स्ट लेवल वाले नज़ारे हैं। और भाई आपको बता दें, पिछले बार की तरह इस बार नया एक्सपीरियंस है और सोचे आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए, और वर्थ इट है। अगर आप नियरेस्ट में रह रहे हो तो भाई वर्थ इट है आना। और भाई पानी का अच्छा खासा है, पानी का वाटरफॉलिंग बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, क्या कह सकते हैं। यही है और क्या। ब्लॉग कुछ समय से नहीं आ रहा है कंटिन्यू, तो मैं तो डाल रहा था दो दो तीन तीन दिन पे, पर अभी क्या हुआ कि पिछले बार मैंने किया हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस का ये LHB रैक का कवर, पर क्या हुआ, रीज़न ये था ना, मेरा फाइल जो था ना करप्ट हो गया। इतना मेहनत से बनाया हुआ था और कवर किया था, स्लीपर क्लास में कवर किया था, मतलब ख़त्म हो गया। और बेतिया से मैंने बरौनी तक कवर किया हुआ था, पर क्या कर सकते हैं, वही वो एक्सपीरियंस मेरे ही साथ रह गया। वो एक्सपीरियंस शायद आप लोग शेयर करना ये रह गया, आप समझ सकते हैं। तो यही है यारो। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूँ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियो आएंगे एक्सप्लोर ब्लॉग, और कोई भी सजेशन हो आपके भाई के लिए बेझिझक कहिए कमेंट में, और अच्छा नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिसलाइक कीजिएगा तो मेरे को एक्सपीरियंस ये होगा कि मैं अच्छा से अच्छा और अच्छा इम्प्रूव करूं, और आप सजेस्ट कीजिएगा तो उसको और भी किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। बस यही है आपको बताना था। हमने सनसेट हो रहा है एकदम, और देख सकते हैं जहाँ देखिएगा वहाँ माउंटेंस ही दिखेंगे, और ये वाटर फॉलिंग है। अभी मॉनसून नहीं है तो थोड़ा कम दिखता होगा। और भाई लोग उधर हैं और क्या, बस यही है व्यूज आप देख सकते हो। और सामने ये हैंगिंग ब्रिज है, यहाँ का भी एक्सपीरियंस अगर आप आ रहे हो तो करना बनता है भाई। आने वाले हैंगिंग ब्रिज में ये था ना, तो थोड़ा थ्रिल था, एडवेंचर था। इस वाले में थोड़ा सा एडवेंचर नहीं है, पूरा पैक है ना इसीलिए। पर पुराने वाले में ये था, जब तक डर नहीं लगे तो मज़ा कैसे आएगा। वक्त आ चुका है यहाँ से अलविदा कहने का। और क्या हंस रहे हैं भाई, बताइए क्यों हंस रहे हैं, बताइए। यही सुन के कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे बबलू भाई के, देखते रहिए लोग, यही चेहरा देखना है अब, जब तक ये वर्ल्ड फेमस ना बन जाए। अच्छा, तब तक बढ़िया है, बढ़िया है। वो डायलॉग याद है ना पंचायत का, ना बढ़िया है सचिव जी, बढ़िया है। भाई साहब मज़े आ गए, और जो ट्रिप रहा है ना अभी तक का, मतलब मज़े आ गए। पूरा दोस्तों के साथ जब चीन मारिएगा और सब दोस्त एक साथ इकट्ठे होइएगा तो ये होता है। बहुत सारे बातें हुई हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में सब चीज़ शेयर नहीं किया जा सकता है। पीछे हमारे मस्तान भाई बैठे हुए थे, और देख लीजिए विराट स्टार्ट किए हुए गाड़ी चला। ये व्यू देख के भाई मज़े ही आ जाएंगे। और ये सामने चेक पॉइंट है आर्मी का। फिलहाल अभी चल रहे हैं हम लोग दूसरे लोकेशन की तरफ, और पीछे ये पूरा तार लगाया गया, आर्मी कैंप है यहाँ पे, चिकन उकिन होता है। अब क्या होता है भाई उतना प्रॉपर मेरे को नॉलेज नहीं है, पर ये आर्मी लोगों का है यहाँ का। और व्यू भाई तगड़ा है यहाँ का व्यू, आपको दिखाते हैं पीछे का, ये देखिए। चलिए थोड़ा एक्सट्रीम में चलते हैं अंदर, और इधर लगभग बहुत सारे जगह पर पानी है ना, पानी में जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पूरा पैर तो भींग गया है। और मतलब व्यू तगड़ा है भाई, व्यू तगड़ा है। बस यार एक रिक्वेस्ट है यार,
पॉलीथीन और वाटर बोतल का जो बोतल होता है ना वो यार फेंका नहीं करो यार। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार वो सब नहीं किया करो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी ये हो जाता है। जाइएगा वहीं दिख रहा है, मतलब इंसान ही ना कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट हरदम निकालती रहती है इसके लिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडिया में देख लीजिए, यमुना गंगा को हम लोग कितना गंदा कर दिए हैं। बस साफ़ सफाई रखिए, अगर हर कोई आए बस एक पॉली में डालिए और कहीं ले जाके डस्टबिन में कर दीजिए, यही है बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, यही है। जहाँ तक भाई आप देखिएगा माउंटेंस ही माउंटेंस दिखेंगे आपको, और ये सामने ब्रिज है, यहाँ से आप चले जाइएगा वहाँ इंडिया की तरफ, ये रहा नेपाल। अब व्यूज देख लो, एकदम शाम हो चुकी है, फिर जहाँ से हम लोग चले थे वहीं पे आ चुके हैं, और यहाँ का तो भाई व्यूज़ मज़े ही मज़े। अगर एंट्री ये है ना, एंट्री यहाँ से अगर आपको ये व्यूज़ मिल जाएगा ना तो आपका मतलब ट्रिप ज़बरदस्त हो जाएगा, यही है। और पीछे तो पानी है नहीं तो यही है, अरे भाई बनाने तो दो, तो यही है। और पानी आ रहा है नीचे से, पानी का तो सप्लाई हर जगह, पानी जहाँ उठाइए बोतल निकालिए भरिए पीजिए, ज़बरदस्त है, यही है। मिनरल भी, मिनरल वाटर भी फेल है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, बाहर चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे तो चाइनीज़ चीज़ें मिल रही हैं, मोमोज मिलेंगी, चौमिन मिलेंगी, खा सकते हो नॉर्मल के लिए, वही है। और भाई लोग के साथ फ़ोटो दो चार क्लिक करवा लेते हैं और चलते हैं वहाँ पे, और क्या। चलिए एक बार और देख लीजिए, और यहाँ से भी व्यू आपको दिखा देते हैं सामने का, ज़बरदस्त यार। चलिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाया, एक्सपीरियंस भी करवाया, और पिछले व्लॉग से और इस वाले व्लॉग से आप लोग क्या कुछ नया मिला वो भी बताइए, कौन सा बेस्ट पार्ट था वो भी बताइए। और बहुत दिन बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं, और इस तरह का एक्सप्लोर व्लॉग अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं वो भी बताइए। और वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, शाम ऑलरेडी हो चुका है, और इस व्यू के साथ आप लोगों से अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ, और नए ट्रेन व्लॉग के साथ, जगह के साथ। और अच्छा लगा, टाइम अच्छे से कटा, और दोनों भाई लोगों ने आया, थैंक यू सो मच भाई फॉर कंपनी, और मज़े आ गए, भाई लोग मस्ती करवा दिया, मज़े ही आ गए, और एक्सपीरियंस लेना बनता था, बस यही है। तो चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, ख्याल रखिए अपना, और सामने इंस्टाग्राम आईडी आता होगा, फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फॉलो कर लीजिए, भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखो अपना।